नौणी विश्वविद्यालय में शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है और पूरे देश के विश्वविद्यालयों के मुकाबले नौणी विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि अधिक हुई है, जिससे एक बात स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहा है। ये बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सोलन और नौणी इकाई ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नौणी विश्वविद्यालय पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है और सबसे अधिक फीस वृद्धि यहां हो रही है। उन्होंने विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को भी उजागर किया। एबीवीपी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य अर्चित सुमन ने कहा कि यदि इस पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो एबीवीपी प्रदेश भर में नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि देश के अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में नौणी विश्वविद्यालय अधिक फीस बढ़ा रहा है, जो कि शिक्षा का व्यापारीकरण है। कि नौणी विश्वविद्यालय में जो है अत्यधिक फीस वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया के यूनिवर्सिटियाँ लेंगे तो सबसे ज़्यादा फीस वृद्धि नौणी यूनिवर्सिटी में हुई है। और वहां पर जो है एक महिला कैंटीन चला रही है, उस पे ऊपर देह व्यापार का पहले भी केस चला है और हाल ही में अभी भी वो वहां पर जो लड़कियाँ हैं सुरक्षित अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रही है, क्योंकि उस महिला पर अभी बीते वर्ष कुछ समय पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बीसी को ज्ञापन दिया था, परंतु ज्ञापन देने के पश्चात भी बीसी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जो बीसी वहां पर अपनी लगातार मनमानी कर रहा है, और अभी हाल ही में एक वर्ष पहले अशोक विजय नाम के पीएचडी स्कॉलर एंट्रांस क्लियर करके आए थे और उन्हें वहां पर प्राध्यापक के पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है। वहां पर एक एमएससी के एक लड़के को नियुक्त किया जाता है। तो वहां पर जो बीसी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है वहाँ पर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि प्रदेश सरकार उन पे नौणी विश्वविद्यालय के बीसी पर अपनी कार्रवाई करे, नहीं तो आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार वो बीसी के खिलाफ आने वाले समय आंदोलन उग्र करेगी। सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।